हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर जो फर्स्ट बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के क्लास में इम्पोर्टेंट जो कि रेलवे का क्वेश्चन 2021 में भी जो पूछा गया है, 1992 से लेकर 21 तक में वो भी इसमें दिया गया है क्वेश्चन, और सभी इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन रहेगा। इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ESPD का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायनोमिस्टिक अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, दिया गया है कलकत्ता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सलाडेन एवं स्वन ने किया था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन, तो इसका आंसर जगह फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौसिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कोलकाता। कोलकाता बी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, कोलकाता ना होगा, दिल्ली होगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली। अंगूर का उत्पादन से क्या होता है? तो एपिकल्चर में अंगूर का उत्पादन एपिकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। सेलरी कल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है। पीसी कल्चर में मछली का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटी कल्चर। बोल रहा, नेत्र रोग का चिकित्सा केंद्र क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेंटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? वेंचरी या वेंटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? दिया गया है रांची, राज, मुंद्री, इज्जतनगर और कोयम्बटूर। इसका आंसर हो जाएगा इज्जतनगर। इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? अनेक पक्षी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दिया गया है वाराणसी, गांधीनगर, धनबाद, जलगोरा। इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी हरियाणा में है। तो हरियाणा का जगह कौन सा है? करनाल, हरियाणा। करनाल में हो जाएगा इसका आंसर, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ट्रम्बे, महाराष्ट्र में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में होगा। कल्पक्कम में देहरादून में है। दूसरा चीज, जीवों में पाए जाने वाले रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कीटों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? या कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटीमोलॉजी, यह नंबर ऑप्शन करेक्ट है। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दिया गया है चार ऑप्शन। इसका आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? CAT यानी कैट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला मधुमक्खी पालन किस में अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन अभी तुरंत बताए थे, एपिकल्चर में मधुमक्खी पालन। सेरेरिकल्चर में रेशम का प्रयोग किया जाता है। सेरेरिकल्चर में एकोस्टिक में तो ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर में सब्जी वर्ण का होता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, भूकंपों का अध्ययन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान के जनक, तो इसका दिया गया है वॉन एम वेयर, TH मॉर्गन, लिनियस और थियोप्रेटस। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ट्रेडमिल ट्रिस्ट
में कौन सा चिकित्सा संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट। क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु, अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडमिल ट्रेड, पैर से, पैर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सिम्पेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सिम्पेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का? नेक्स्ट क्वेश्चन, सपनों का अध्ययन, सपनों का अध्ययन, तो सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्न का अध्ययन, स्वप्न, और ओरिनोलॉजी स्वप्न का अध्ययन, स्वप्न का ओरिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्र वनस्पति, केंद्र वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, कहाँ है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या है कहलाता है? तो पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी दिया गया है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, गायनेकोलॉजी। तो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से क्या होगा? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? केंद्र औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? चावल ना बोल रहा है, चावल है तो कटक उड़ीसा है, कटक उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी में किया जाता है, एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे तत्कालिक के लिए। जय हिंद। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे।